पंज वक्ता नमाजों की सुनन व नवाफिल से फरागत के बाद ज़ेल के औरात पढ़ लीजिए। सहूलत के लिए नंबर ज़रूर दिए हैं मगर इनमें तरतीब शर्त नहीं है, यानी चार नंबर को आप आखिर में पढ़ सकते हैं और जो आखिर में है उसको पहले में पहले आप पढ़ सकते हैं। नंबर चार, आयतल कुर्सी एक एक बार पढ़ने वाला मरते ही दाखिले जन्नत हो, यानी अगर कोई आयतल कुर्सी एक एक बार पढ़ ले तो वह मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। नंबर पाँच, अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। क्या है नंबर पाँच? अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तीन तीन बार पढ़िए। फजीलत क्या है? पढ़ने वाले के गुनाह मुआफ़ हों अगरचे मैदान जिहाद से भागा हुआ हो। नंबर छः, तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 33 बार, ये 99 हुए। आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर एक बार पढ़कर 100 का अदद पूरा कर ले। फजीलत क्या है? पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। फजीलत यह है कि पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर के झागे बराबर हों। नंबर सात, हर नमाज के बाद पेशानी के अगले हिस्से पर हाथ रख कर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़्न। पढ़ने के बाद हाथ खींच कर पेशानी तक लाए। फजीलत ये है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर गम व परेशानी से बचेंगे। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़कूरा दुआ के आखिर में मज़ीद इन अल्फाज का इजाफा फरमाया है, वअन अहले सुन्नति यानी और अहले सुन्नत से, लिहाजा वल हुज़्न के बाद वअन अहले सुन्ना मिला लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।